हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट जॉइंट HUF बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट HUF बिजनेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट HUF बिजनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स ऑफ जॉइंट HUF business, merits of joint HUF business. What are the main merits of joint HUF business? Students, HUF business की maximum merits जो हैं या demerits हैं, कहीं ना कहीं आपके जो features हमने discuss किए थे कल last time उनमें कह जाते हैं, फिर भी इसमें इनके जो मैट्स को इंडिविजुअली हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव कंट्रोल, सेकंड लॉन्ग सर्वाइवल, या फिर इसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूटी, लॉन्ग सर्वाइवल और कंटिन्यूटी। थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट थोड़ा सा हम अलग से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ वन इंक्रीज्ड loyalty and cooperation fifth इसमें हम करते हैं high secrecy and seventh one is बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। दीज आर मेन मेरिट्स ऑफ जॉइंट HUF बिजनेस। तो नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इफेक्टिव कंट्रोल। इट इज सैड देयर इज इफेक्टिव कंट्रोल इन जॉइंट HUF बिजनेस। अक्सर बिजनेस हम कहते हैं जॉइंट HUF बिजनेस के अंदर जो कंट्रोल है वो काफी इफेक्टिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि जॉइंट HUF बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में क्या होता है कि जॉइंट HUF बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग सारी पावर जितनी होती है, टोटल डिसीजन लेने की जो भी पावर होती है वो केवल परिवार के जो कर्ता होता है उसी के हाथ में होती है। कोई भी हम कहते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके डिसीजन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन लेने का राइट है वो कर्ता के हाथ में होता है और कोई भी उसके डिसीजन टेकिंग राइट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, जिससे बिजनेस के अंदर हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है। इसलिए बिजनेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इफेक्टिव होता है। क्यों? इनके अंदर सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, दैट इज कर्ता। उसके डिसीजन के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता और इस वजह से जो भी हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर काफ़ी तेजी से डिसीजन ले जाते हैं, क्योंकि कर्ता को कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी और से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे बिजनेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिजनेस की मैनेजमेंट होती है, वो इफेक्टिव होती है। सेकेंड वन लॉन्ग सर्वाइवल और कंटिन्यूटी। सोल प्रोपर्टरशिप का एक मेजर ड्रॉबैक था कि बिजनेस की एग्जिस्टेंस केवल और केवल एक व्यक्ति के होने या ना होने पर ही डिपेंड करती है, जबकि जॉइंट HUF के केस में ऐसा नहीं होता। जॉइंट HUF में क्या है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर कर्ता की डेथ हो जाए या उसका आदमी सेवरिंग हो जाए तो जो फैमिली के नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो उस पर हम कहते हैं बिजनेस की कर्ता की पोजीशन को टेक ओवर करते हैं और उस बिजनेस को आगे तक कंटिन्यू करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग सर्वाइवल।
थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बेटा इसमें वेरिएशन होता है थोड़ा सा। लिमिटेड लाइबिलिटी सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर हर किसी की लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर जो करता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट जो कोर इसमें हम कहते हैं को पार्टनर्स हैं, इनकी अदर फैमिली मेंबर्स रेदर देन कर्ता, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं कर्ता के अलावा, उन सभी की लाइबिलिटीज इसमें लिमिटेड होती है। दैट मीन इन केस ऑफ लॉस बिजनेस के जो हम कहते हैं को पार्टनर्स हैं, उनसे हम मैक्सिमम उतना पैसा ही रिकवर कर सकते हैं जितनी उनके बिजनेस में एसेट बनती है। उससे उनकी पर्सनल एसेट से कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। फोर्थ पॉइंट होता है इसके अंदर इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। इसमें जब ये एचएफ बिजनेस होता है, एक परिवार एक किसी एक व्यक्ति की बजाय एक परिवार के द्वारा चलाया जाता है, उस परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है, तो परिवार के सदस्यों के द्वारा ही चलाए जाने से इस व्यापार में जो परिवार के सदस्य होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव होता है, कोई बाहरी आदमी इसमें पार्टनर नहीं होता, तो एक परिवार के ही सदस्य मिलकर इस कारोबार को चलाते हैं। इसलिए सभी जो हम कहते हैं मेंबर्स हैं उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग या हम कहते हैं कि वफादारी वाली भावना होती है, क्योंकि जितने भी हम कहते हैं कि मेंबर हैं सभी में एक प्रत्यक्ष ब्लड रिलेशन होता है, और यहाँ पर एफर्ट्स और रिवार्ड का भी डायरेक्शन होता है कि जो जितना काम करता है उसी के हिसाब से उसको पेमेंट की जाती है। तो इसलिए जो फैमिली करता होता है वो अपने पूरा जितने भी हम कहते हैं बाकी मेंबर्स हैं वो भी कर्ता के फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसके ब्लड रिलेशन के अंदर होते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी का सहयोग उसे प्राप्त होता है, और कर्ता भी अपना पूरा एफर्ट्स करता है कि बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए जिससे परिवार के सभी मेंबर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल हो सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड रॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज हाई सीक्रेसी। जॉइंट एचएफ बिजनेस के अंदर बिजनेस के जो मेजर सीक्रेट्स हैं सारे कर्ता के ही हाथ में होते हैं, या फिर हम कहते हैं कुछ माइनर सीक्रेट्स हैं तो वो भी फैमिली मेंबर्स के पास होते हैं, तो फैमिली मेंबर्स जानबूझ के अपने पारिवारिक कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए उन सीक्रेट्स को व्यापार से बाहर या बिजनेस से बाहर या परिवार से बाहर उनको लीक नहीं करते। इसलिए इन बिजनेसेस के अंदर सीक्रेसी का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है। तो इट इज ए हम कहते हैं मेजर बेनिफिट ऑफ जॉइंट एचयूएफ बिजनेस कि बिजनेस के जितने भी सीक्रेट होते हैं दी ऑल सीक्रेट्स रिमेन कन्फाइंड अप टू द कर्ता, एंड कर्ता डू नॉट लीक्स द सीक्रेट्स इन द मार्केट फॉर हिज पर्सनल लॉस, इट इज जनरली नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। अक्सर क्या होता है जॉइंट एचयूएफ बिजनेस के अंदर परिवार के जो बच्चे होते हैं शुरुआत से ही फैमिली इंटरेस्ट के अंदर फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अपने पिता के साथ अपने अंकल वगैरह के साथ कारोबार को देखते रहते हैं, तो उनसे धीरे धीरे जब कहीं ना कहीं बिजनेस को संभालने की बात होती है, संभालने का दायित्व तो जब उनके ऊपर आता है, तो उस चीज़ में वो व्यापार संभालने के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो उनके सीनियर सदस्य हैं, हम कहते हैं कि परिवार के चाहे उनके मुखिया हैं या फिर हम कहते हैं कि फादर हैं अंकल हैं, उनके अनुभवों का बेनिफिट भी उनको मिलता है। दैट इज बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेबल, जो इसमें पैतृक हम कहते हैं व्यापार के अंदर जो पैतृक चलता आ रहा है, तो हमारे पैतृक उपभोक्ता ग्राहक पहले से हम कहते हैं गुडविल पहले से बनी होती है, तो बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है उनको एक फैमिली के गुडविल के बिहाफ पर उनके ट्रस्ट के बिहाफ पे काफ़ी एडवांटेज मिलता है, और अपने बुजुर्गों के अनुभवों का भी उनको काफ़ी फायदा मिलता है जो उनको व्यापार में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो दीज आर मेन मेरिट्स ऑफ जॉइंट एचयूएफ बिजनेस, दैट इज इफेक्टिव कंट्रोल। सारे डिसीजन मेकिंग पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, दैट इज कर्ता, जिससे वो बिजनेस में प्रॉम्प्ट डिसीजन तेजी से डिसीजन ले सकता है, जिससे बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट होता है और बिजनेस का कंट्रोल इफेक्टिव होता है। सेकेंड लॉन्ग सर्वाइवल, बिजनेस की एग्जिस्टेंस सिर्फ एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करती। अगर इसमें क्या कहते हैं कि हम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली कर्ता की डेथ हो जाए, तो फैमिली का जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो उस कारोबार की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है, जिससे हम कहते हैं कि अब कर्ता के गद्दे बैठा जाता है और उस कारोबार को वो आगे कंटिन्यू करता रहता है। नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या होता है कि इसके अंदर लाइबिलिटी जो को पार्टनर्स हैं इनकी कर्ता के अलावा फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की लाइबिलिटी लिमिट होती है। दैट मीन इन केस ऑफ लॉस उनका बिजनेस में जितना हिस्सा बनता है, बिजनेस की संपत्ति में उनका जितना हिस्सा बनता है, सिर्फ उतना ही उनसे नुकसान रिकवर किया जा सकता है, उससे एक्स्ट्रा नुकसान उनसे रिकवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इंक्रीज लॉयल्टी, इसमें फैमिली के जितने भी ओनर्स हैं सभी एक ही परिवार से संबंध करते हैं, सभी एक दूसरे से ब्लड रिलेशन से जुड़े होते हैं,
और कहीं ना कहीं परिवार का जो करता है सभी फैमिली मेंबर्स के भले के लिए ही, उनके हितों के लिए ही कारोबार को चलाता है। इससे सभी फैमिली मेंबर्स में एक दूसरे के प्रति भरोसा, विश्वास और सहयोग की भावना पनपती है। नेक्स्ट, हाई सीक्रेसी। बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं मैक्सिमम सीक्रेट्स कर्ता तक या फिर चुनिंदा फैमिली मेंबर्स तक ही सीमित रहते हैं, और वो फैमिली मेंबर्स अपने जानबूझकर अपने परिवार के सी अपने बिजनेस के परिवार के सीक्रेट्स को मार्केट में लीक नहीं करेंगे कि हमारे खुद के ही कारोबार का नुकसान हो। तो ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इस फॉर्म के अंदर सीक्रेसी का लेवल काफ़ी हाई रहता है। और बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, दैट मीन एक एचयूएफ बिजनेस है, 2 या 3 पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा होता है, तो हमारे हमें जब हम विरासत में काफ़ी उपभोक्ता और गुडविल मिलती है बिजनेस में, और हमें अपने बुजुर्गों के अनुभवों का भी फायदा मिलता है, जिससे व्यापार संभालने में, कारोबार को संभालने में इतनी मेजर हमें कहते हैं कि चैलेंजेस या डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती है। दैट इज बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस। व्हाट आर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट एचयूएफ बिजनेस? जॉइंट एचयूएफ बिजनेस की मेजर लिमिटेशंस कौन कौन सी होती है? व्हाट आर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट एचयूएफ बिजनेस? इसमें जॉइंट एचयूएफ की कमियां कौन कौन सी है? तो इसमें बेटा मेन कुछ लिमिटेशंस होती है, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेस। सेकेंड, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता। मेन डोमिनेंस ऑफ कर्ता। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्प्यूट। दीज आर मेन लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट एचयूएफ बिजनेस, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, मेन डोमिनेंस ऑफ कर्ता, लिमिटेड मैनेजर स्किल एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्प्यूट। फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। जॉइंट एचयूएफ बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाई जाती है सारी कैपिटल एक ही परिवार के द्वारा लगाई जाती है, और कहने को तो परिवार होता है, बाकी जो भी मेन पूंजी होती है वो परिवार के जो मेल मेंबर्स है, सीनियर मेल मेंबर है, उसी के द्वारा एक कारोबार पूंजी लगा के आरंभ किया जाता है, जिसका बेनिफिट पूरा फैमिली लेती है। तो एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा कैपिटल लगाने की भी एक लिमिट होती है, तो अक्सर जॉइंट एचयूएफ बिजनेस के अंदर कैपिटल का जो लेवल होता है वो कम होता है, कैपिटल या हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कम होती है, जिसकी वजह से बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी लिमिट होते हैं। सेकेंड वन जो इसमें कर्ता होता है, कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। कर्ता बिजनेस की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है अपने कंधों के ऊपर, उसके बावजूद भी जो भी डिसीजन है वो भी वही लेता है, उसके बावजूद उसकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। दैट मीन नुकसान होने की सूरत में बिजनेस की जो भी सरप्लस लाइबिलिटीज हैं एज कम्पेयर टू द एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एसेट्स के मुकाबले में बिजनेस की जो भी सरप्लस लाइबिलिटीज है उनका भुगतान कर्ता को अपनी निजी संपत्ति में से करना पड़ता है। थर्ड वन डोमिनेंस ऑफ कर्ता। बिजनेस का सारा कंट्रोल जो होता है, वो सारा होल्ड जो होता है, बिजनेस की मैनेजमेंट होती है वो कर्ता के ही हाथों में होता है, और वो उस हिसाब से करता है अपने विवेक, अपने मनमानी भी कह सकते हैं, कई बार अपनी मनमर्जी के हिसाब से सारे कारोबार के निर्णय लेता है। फोर्थ लिमिटेड मैनेज स्किल। इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है, दैट इज कर्ता ऑफ बिजनेस, और एक व्यक्ति जनरली हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता,
तो इस वजह से जो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट स्किल होती है वो अक्सर क्या होती है, लिमिटेड होती है, कि हमें एक अनबैलेंस मैनेजमेंट को फेस करना पड़ता है। एंड लास्ट वन, पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अक्सर बिजनेस के सारे डिसीजन एक ही व्यक्ति के द्वारा जाते हैं जो कि क्या होता है, फैमिली का कर्ता। कई बार जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं वो उन डिसीजन से एग्री नहीं करते और वो जो डोमिनेंस ऑफ कर्ता होता है उसको अपोज करते हैं, जिससे फैमिली के अंदर एक डिस्प्यूट की संभावना, एक आपसी लड़ाई झगड़े या बंटवारे की नौबत भी आ जाती है, फैमिली में लड़ाई झगड़े की संभावना बन जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्प्यूट। तो स्टूडेंट्स, दीज आर मेन लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट एचयूएफ बिजनेस। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज पार्टनरशिप। टिल देन, गुड बाय।